नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वन क्लिक इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि बच्चों को काफ़ी समय से इंतज़ार था RSCIT एग्ज़ाम के लिए कि RSCIT एग्ज़ाम कब होगा, जो पीछे जो एग्ज़ाम होना था अप्रैल में वो कैंसिल हो गया था। अब जो नई डेट है वो कब होगी, किस मंथ में अपना एग्ज़ाम होगा, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए, इसके अंदर कौन से बैच शामिल होंगे। जो अपना नवंबर है, नवंबर से लेके मार्च तक के जितने भी बैच हैं वो शामिल होंगे, जिसमें नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। इसके अलावा जिनका सेकेंड अटेम्प्ट या थर्ड अटेम्प्ट है वो भी इसके अंदर शामिल किए जाएंगे। अब देखिए, इसके अलावा जो महिला बैच है उसका इसके अंदर एग्जाम नहीं होगा। ये एग्जाम होने के बाद अगले जो एग्जाम इवेंट है उसके अंदर इनको शामिल किया जाएगा। अब देखिए, इसके बाद अगर अपन बात करें तो एग्जाम कब होगा, सितंबर में होगा या फिर अक्टूबर में होगा। तो अपना जो एग्जाम है वो अक्टूबर 2021 के अंदर होगा। अब इसके अंदर जो फर्स्ट वीक के अंदर ये एग्जाम होना प्रस्तावित है। इसके रिगार्डिंग RSCIT ने एक शॉर्ट मेल भेजा है। यहाँ पे देखिए, विश्वविद्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार नवंबर से लेके मार्च तक के बैच जिनमें महिला बैच को शामिल नहीं किया जाएगा कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह एक शॉर्ट नोटिस है, बाकी की जानकारी एक दो दिन में आ जाएगी, पूर्ण कौन से बैच शामिल होंगे, कौन से नहीं होंगे। इसके अलावा जो ग्राम विकास अधिकारी की जो भर्तियां निकली हुई हैं, सांख्यिकी अधिकारी की जो भर्तियां निकली हुई हैं, सांख्यिकी विभाग में संगणक की जो भर्तियां निकली हुई है उसके अंदर कंप्यूटर नॉलेज के अंदर RSCIT कोर्स को मान्यता दी गई है। तो जिन्होंने अभी तक RSCIT कोर्स नहीं किया हुआ है, जो सोच रहे हैं, वो जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन करवा के अपना जो लर्नर कोड है वो ले लें, जिससे इन फॉर्म को अप्लाई करने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो बाकी की जो भी जानकारी है एग्जाम को लेकर वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही, और इसके अलावा RSCIT इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो क्लास लग रही है उसको भी अटेंड करें, और साथ में जो डेली ऑनलाइन टेस्ट हो रहे हैं आप उनको भी ज्वाइन करें। तो आज के लिए इतना ही, आगे जो भी अपडेट आएगी वो आपको बता दी जाएगी। RSCIT से लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।